नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिट। जनपद आगरा से इस वक्त की खबर। दिन में कॉलोनियों में भ्रमण कर सोने घर की रैकी करते थे और फिर रात में उन्हीं घरों को अपना निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आगरा पुलिस ने चोरों के एक गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी किया हुआ सामान बरामद किया है, जिसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने किया। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में थाना एतमादौला, थाना खंदौली और सदर क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही थी। इन वारदातों के खुलासे के लिए एसएसपी मुनिराज जी ने विशेष निर्देश दिए थे। इसके बाद कई टीमों का गठन कर इन 7 चोरों को पकड़ने में पुलिस जुटी हुई थी। एसपी सिटी ने बताया है कि पिछले दिनों एक पीड़ित भुवनेश कुमार वर्मा ने अपने घर में हुई चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी और आसपास के क्षेत्र से सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए थे। पीड़ित ने कुछ दिन पहले ही उन सभी 7 चोरों को अपने क्षेत्र में देखा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। इस सूचना पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। एसपी सिटी ने बताया है कि शनिवार को चेकिंग के दौरान सूचना मिली थी कि एक ग्रोह के सदस्य चोरी के माल का बंटवारा ईद की मंडी पर कर रहे हैं। मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी की गई और 7 चोरों को दबोच दिया गया। पुलिस ने मोनू, अजय, अवतार सिंह, अनिल और गौरी को चोरी के मालों के साथ गिरफ्तार किया, तो वहीं एक सुनार को भी हिरासत में लिया गया, जिसे यह चोर चोरी हुए सोने चांदी के आभूषण बेचा करते थे। समाचार एटीजेड के लिए आगरा से जावेद खान के साथ सद्दाम खान की रिपोर्ट। पुलिस टीम ने चोरों का गिरोह गिरफ्तार किया है। किस तरीके से ये अपराध की दुनिया में उतरे, क्या करते हैं लोग, क्या इनके बारे में? देखिए, विगत कुछ दिनों से कुछ एरियाज़ में, पर्टिकुलरली एतमादौला, खंदौली, सदर, इन एरियाज़ में चोरी की घटनाओं में थोड़ा सा इजाफा हुआ था। एसएसपी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक थाने में एक टीम का गठन किया जाए, जो कि चोरी इत्यादि की घटनाओं पर लगातार काम करें और ऐसे लोगों को बुक करके उनको जेल भेजें, बाकी रिकवरी जो है वो करके। आज लगभग 6 लोगों का गैंग पकड़ने में एएसपी छत्ता और थानाध्यक्ष और बाकी टीमों को सफलता मिली है। इनमें से 5 जो लड़के हैं, उन्होंने कई जगह पर एतमादौला क्षेत्र में, खंदौली क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। जनरली इनका मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का रहता है कि दिन भर में ये लोग रेकी करते हैं, कौन सा घर बंद है, क्या है। इनमें से 1 या 2 लड़के जाके रेकी करते बाइक पे, रात के टाइम पे 1 बजे के बाद निकल के ये लोग चोरी करते हैं और 1 या 2 लड़कों को बाहर ही रखते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति आने जाने वाला हो तो इन्फॉर्मेशन अंदर देता रहे। इनके कुछ कॉल साइंस भी है जिसके थ्रू ये लोग बात करते हैं। तो जो वादी है, एक घटना का जो वादी है, उनके पास फुटेज इन लड़कों की थी, चूँकि इन लोगों ने उनके घर में चोरी की थी, तो आसपास के एरिया से उन्होंने कुछ फुटेज कलेक्ट की थी। 2-3 दिन पहले ये लड़के उनको फिर उसी एरिया में दिखाई दिए थे। जब उन्होंने फुटेज देखा और लड़कों को सामने देखा, तो इन्होंने तुरंत जो है वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। तब तक ये लड़के भाग चुके थे। अब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए लगातार टीमों के द्वारा काम किया गया और इन लड़कों को फाइनली पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। 5 लड़कों को इसमें पकड़ा गया। इनके इन्होंने जो घटनाएं जो कार्य की है, आज 5 घटनाओं का अनावरण थाना एतमादौला क्षेत्र के थाना एतमादौला से किया जा रहा है। इसमें से आपके सामने माल जो है वो रखा गया, कई सारे सोने चांदी के जो इसमें आभूषण है, मंगलसूत्र है, अंगूठियां है, कंगन है, कुछ पैसे उसमें बरामद हुए, टीवी है। तो इनमें ये जो सोने चांदी के आभूषण जो है वो रवि वर्मा नाम के एक सोने चांदी के व्यापारी को, एक दुकानदार को ये लोग लगातार बेचते थे। ये लोग उसको गिरवी भी रखवा लेता था, यह व्यक्ति उसको खरीदता भी था। तो इसको भी जो है ये छठा मुलजिम इसको आज बनाया गया है। तो कुल मिला के 6 मुलजिम आज आपके सामने जो है पेश किए जा रहे हैं। वजह सर क्या रहेगी, मतलब इन्हें अपराधी दुनिया में करना पड़ा और ये करते क्या, इनके प्रोफाइल सर क्या? देखिए, कुछ लड़के इसमें से जूते का काम फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ वायरिंग का काम करते हैं इत्यादि। कुछ लड़के इसमें लॉकडाउन के न चलते अनएम्प्लॉयमेंट भी अनएम्प्लॉयड हुए हैं, काम नहीं था इन लोगों के पास, लगातार फैक्ट्रीज और इत्यादि ये जो चीज़ें हैं वो स्लो डाउन था, कम उसमें कुछ चीज़ें बंद भी थी। तो इसके न चलते ये जो है लगातार पिछले साल से कोविड का ये चल रहा है, तो इसमें इन लोगों ने जून की दुनिया में जो है वो पैर रखा है। लीड कौन करता था? ये मोनू नाम का व्यक्ति है जो कि इसको लीड करता है। बाकी के लड़कों को भी आसपास के रहने वाले, तो उनको भी अपने गैंग में शामिल करता है। कैसी कीमत? मुझे लगता है लगभग
7-8 लाख रुपए की कीमत अभी होगी। सोने चांदी के भी इसमें आभूषण है, कुछ टीवी है और कैश है। कुछ और लोग भी सर अभी रह गए जिनकी गिरफ्तारी होनी शेष है? देखिए 3-4 लड़के इन्होंने बताया उनके नाम, उनके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं और जल्दी जो है वो भी पकड़े जाएंगे। आपराधिक इतिहास की बात करें लोगों की, तो कुछ लड़के इसमें से जेल गए हैं, पहले भी इनका जेल जाना हुआ है। प्रेस नोट में इनका आपराधिक इतिहास भी हम लोगों ने मेंशन किया है। और इसमें 3 से 4 लड़के, मोनू जो है वो पहले जेल गया है, अजय गया है, कई अन्य लड़के भी जो है वो जेल जा चुके हैं।